अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो भाई आज अपनी कुर्सियों की पैटियां जो है बांध लेनी है। आज का जो गेम प्ले ना बहुत ज्यादा एंड लेवल जाने वाला है, तो कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। यहाँ पे एक बंदा था, चलो एक बंदे को बॉडी शॉट कराया और दूसरा पीछे नॉक पड़ा था उसको भी बॉडी शॉट, और वो तो पहले कन्फर्म ही हो गया भाई। लो यहाँ पे दो बंदे हैं तो इनको पकड़ते हैं। एक नॉक है और दूसरा भी पेड़ की साइड भी है। आज भाई सिर्फ किल काउंट कर लिया आप लोगों ने अच्छे से, बस एक जगह कोई पानी वानी या कुछ पापड़ वगैरह लेके बैठ जाओ, बस देखो फिर एंजॉय करो। दो के लिए यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, और रैंडम टीममेट्स की बात करें तो बिल्कुल नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, लेकिन अल्ट्रा ब्रो जरूर मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े सर्वाइवर हैं। तो भाई आज आने वाला है गेम का मज़ा। एक बंदा यहाँ पे, ओहो ये भाई बंदे ने कोई अलग ही सस्ते नशे कर रखे थे। चलो दो हैं, अरे भाई साहब चलो दोनों एक साथ नॉक है भाई। M10 का मजा ही आ गया शॉर्ट रेंज में। अगर यहाँ पे एक या दो चिप और मिल जाती तो मजा आ जाता, क्योंकि तीन चिप के साथ डबल रेट ऑफ फायर स्किन हो तो आपको जिंदगी में और क्या ही चाहिए। बाकी अगर किल्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने चार कन्फर्म कर लिए हैं। एक बंदा बाहर के साथ जरूर रह गया था, उसको भी पकड़ेंगे। यहाँ पे डैमेज छोड़ गया है। ओके बॉडी स्प्रे भाई, अभी तक किसी को हेडशॉट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हेडशॉट से सारा दर्द होता है और बॉडी स्प्रे से दर्द नहीं होता। बंदा महसूस कर सकता है हाँ मैं पीछे की साइड से कोई मार सक रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे वन टैप या हेडशॉट की बात करें तो एक ही हेडशॉट पड़ता है और बंदे को महसूस ही नहीं होता भाई क्या हुआ है भाई, वो बहुत तकलीफ का होता है। ओके पेड़ के पीछे वाला बंदा कब से कैंपिंग कर रहा था भाई, फाइनली उसको भी नॉक कर दिया है। अगर किसी को भाई कमेंट्री के समझ नहीं आती तो नीचे लाजमी से बताना है, बाकी सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लो, क्योंकि वीडियो आज का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अपने को 5000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि हम लोग भाई डेली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकें इस चैनल के ऊपर। फाइनली हम लोगों के गाइज आई थिंक 5 के लिए यहाँ पर डन हो चुके हैं। वो बंदा शायद क्लियर हो गया और एक बंदा जो है ना दिल की साइड है। चलो अब हुआ क्लियर गाइज, 6 किल हो चुके हैं। दिल वाले को पकड़ते हैं, किसी भी सूरत छोड़ना नहीं है। 31 प्लस की लॉबी अवेलेबल है अभी तक। गया भाई आयान गेमर को पता ही नहीं है कि जीएम हैकर जो है ना इस साइड के ऊपर आ चुका है। तो इसके साथ हम लोगों ने 7 किल कंफर्म कर लिए हैं और दिल के अंदर जगह अपनी बनाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि अगर दिल में हम लोग ना खड़े होते तो टीममेट्स को भाई बिल्कुल यहाँ पर टोकन से रिवाइव करना पड़ता और टोकन हमारे पास इतने थे नहीं, हमने डब्बे में ही मार दिए थे। अपने लिए लूट जरूरी होते हैं, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस हो खुद पर कि हम इनसे बेटर कर सकते हैं तो बिल्कुल भाई आपको लूट की जरूरत होती है, ना कि टीममेट्स को रिवाइव करने की। ओके छत वाली साइड पे दो दो बंदे गाइज एक साथ घूम रहे थे, तो इनको पकड़ते हैं। हल्का सा पहले डैमेज जरूर दिया था बट चलो, एक तो यहाँ पे जट गेमर नॉक है। गया भाई पीछे वाले को भी हेड शॉट। लॉबी की बात करें तो अच्छी लॉबी है भाई, हीरोइक की लॉबी है। सब लोग भाई जब मास्टर के लिए पुश करते हैं तो बिल्कुल वो सर्वाइव भी कर रहे होते हैं और कैंपिंग भी, तो आप लोगों को कैंपर भी देखने को मिलेंगे इस गेम के अंदर। तो एंड लेवल गेम है भाई, बाकी एंड तक मिस नहीं करना आप लोगों ने। अगेन सब्सक्राइब नहीं करो तो गाइज कर लो, बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर करके वीडियो को लाइक कर दो, इससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में भाई एक तगड़ी और दमदार बात है भाई। क्योंकि हम लोग जैसे ही लाइव स्ट्रीम का स्टार्ट करेंगे तो भाई शुरू के जो 10K सब्सक्राइबर हैं ना उनके साथ तो भाई खेलेंगे पक्का, आगे वालों को तो बोल नहीं सकता, लेकिन शुरू में जो लोग जुड़ जाएंगे ना उनके मज़े अलग ही होंगे। ओके यहाँ पे जिप लाइन से भाई जैसे हम लोग वापस आए हैं तो एक बंदा जा रहा था, और रैंडम टीममेट्स की बात करें ना तो इन लोगों ने सिर्फ जलील ही करा है। दो दो तीन तीन दफ़ा यहाँ पर रिवाइव हो चुके थे और अभी भी छत के ऊपर उतरे हैं, तो इनका भाई चेक करना फिर से ये लोग मरेंगे। बट कोई ना, हम लोगों ने तो 10 किल निकाल लें, 29 बंदे अभी तक अलाइव हैं और ये प्लस अलाइव हैं, क्योंकि जब एक या दो बंदे मरते हैं तो बाकी उनको रिवाइव करा देते हैं, ये होती है अच्छी लॉबी की खास बात। और जब तक भाई ज़्यादा बंदे होंगे अपने किल भी ज़्यादा होंगे। एक बंदा यहाँ पे, ओहो तगड़ा बंदा है ये, अरे अल्ट्रा प्रो को यहाँ पे नॉक कर दिया। एक और आया है, अच्छे शॉट लगे हैं इस बंदे को। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं छोड़ने वाला। चलो गया भाई एक और आया है, कितने बंदे हैं भाई, इनको कंफर्म कर लेते हैं। चलो इसके साथ ही 12 किल गाइज यहाँ पे फाइनली डन हो चुके हैं, 23 अभी तक अलाइव है। एक बंदा बाहर की साइड रश कर रहा है, अकेले प्लेयर हम लोग यहाँ पे बचे हैं।
1100 टोकन जरूर है, बट वेट कराए कि बंदा भाई ये आए और इसको भाई खोपड़ी तोड़े। तो अल्ट्रा प्रो को यहाँ पे गाइज हम लोगों ने करा दिया था रिवाइव, 12 डन हो चुके थे 24। यहाँ पे एक और बंदा आया है, ओहो डैमेज छोड़ दिए बंदे ने भाई। आई थिंक बंदा तगड़ा था, उसको पता है भाई गलत बंदे की साइड आ गया हूँ। फौरन उसने अपना बैकअप तैयार करा और पीछे की साइड भाग गया है। बाकी गाइज चेक करो, बस फील करो। यहाँ पे इस साइड पे एक और बंदा, नहीं 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 दो बंदे एक साइड पत्थर वाली साइड पे भाई, दो दो बंदे। ओए इस साइड पे भी आ गया है, वेट करेंगे भाई इस बंदे का। अगर ये बंदा रश के लिए आया तो फिर इसको मारेंगे। बाकी गाइस काफ़ी सारे बंदे ये जो पूछ रहे होते हैं कि आप भाई रिप्लेस ही क्यों रिकॉर्ड करते हो, गेम के साथ क्यों नहीं करते। देखो भाई प्राइवेसी कंसर्न होता है लोगों आगे, पहले भी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी वॉइस में, तो लोगों ने बोला कि डिलीट कर दो हमारी वॉइस नहीं ऐड करो। तो इस वजह से भाई ये बंदा तंग कर रहा है भाई। चलो नॉक हो गया भाई, सोनिया इसकी जरूर चार्ज है अल्फा की। और यहाँ पे बात कर, ओए भाई लास्ट मोमेंट पे भाई अल्ट्रा प्रो को जितना आप क्रेडिट देना चाहो इस गेम का दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 12-13 किल हम लोगों ने जो करे हैं वो सारे वेस्ट हो जाने थे अगर उनकी डैम ही नहीं लगती। तो डिमिट्री उन लोगों ने जो लगाई है ना डिमिट्री, वो ईपिक मोमेंट था गाइज। यहाँ पे दोनों नॉक हो गए थे हम लोग। और यहाँ पे अगर बंदों की बात करें तो स्टिल 22 अलाइव है और उसका हम लोगों ने किल ज़रूर कंफर्म कर लिया था। 13 किल यहाँ पे डन है, 21 अभी तक अलाइव है। और रैंडम टीममेट्स को रिवाइव ना करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई उन्होंने भाई जलील करा हुआ था। तो अब तो हम लोगों ने एक बंदे को रिवाइव कर दिया था, लेकिन इससे पहले नहीं करा, अल्ट्रा प्रो को ही रिवाइव करा, क्योंकि हमारी जो सबसे टॉप के ऊपर बड़ी प्रियोरिटी यही होती है कि अल्ट्रा प्रो को जल्दी से जल्दी रिवाइव करा जाए, क्योंकि उनके भाई फायदे देख सकते हो कि क्या मोमेंट थी, ईपिक मोमेंट का इसमें बोलूँगा, मज़ा आ गया। इससे पहले उन्होंने रैंडम को भी रिवाइव करा था काफ़ी ज़्यादा दफ़ा, और हम लोगों ने भी रैंडम को काफ़ी ज़्यादा दफ़ा रिवाइव करा था इस गेम में। वो पार्ट मैंने कुछ बीच में काट दिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो कुछ लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, तो इस वजह से भाई बोरिंग पार्ट्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके एक बंदा भाई जून से आ रहा था यहाँ पे, इसका बेचारे का स्क्वाड ही कन्फर्म हो गया, 14 के लिए यहाँ पे डन हो चुके हैं और अभी भी 16 बंदे अलाइव हैं। जून की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे लास्ट जून स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे टीममेट्स की बात करें तो शौक दे भाई कोमा में चले गए थे कि इस नाम के साथ ये बंदा किस तरीके से गेम प्ले कर रहा है। बट अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो आप लोगों ने भाई टिकटॉक पे जाना है, एक दफ़ा GM86 सर्च करना है, पता चल जाएगा आप लोगों को रियलिटी क्या है, कितने फॉलोअर्स हैं और किस लेवल के ऊपर बंदा गेम प्ले करता है। क्योंकि यूट्यूब पे अभी इतनी ज़्यादा ऑडियंस अपने को नहीं देखती, लेकिन टिकटॉक पे भाई एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो अपने को देख रही होती है। ओके यहाँ पे एक बंदा जिसको अल्ट्रा प्रो ने ज़रूर नॉक करा था और फिनिश कर दिया, नीचे एक साइड बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है, इसको तो भाई नहीं छोड़ना था। चलो अच्छा शॉट लगा है, यहाँ पे ग्लू तोड़ते हैं। अच्छा चलो आई थिंक उसका किल कन्फर्म भी हो गया, क्योंकि ग्लू वॉल अगर आप तोड़ते हो तो जो ये स्किल आई है नहीं, इससे ग्लू वॉल के पार भाई ऑलमोस्ट 30 या 40 का डैमेज पड़ता है, जो कि काफ़ी दमदार बात है। तो बिल्कुल यहाँ पे 15 किल हम लोगों ने कन्फर्म। और एक और बंदा, चलो यहाँ पे क्या ही हेड शॉट लगा है M14 का, 3 चिप। और इसके साथ 16 किल गाइस फाइनली डन हो चुके हैं। एक और बंदा जो कि जून से आ रहा था भाई, उसको भी नॉक करा है, पीछे उसका टीममेट भी है, उसको भी मारेंगे बिल्कुल। यहाँ पे साइलेंसर यहाँ पे अपने पास शायद था, तो जिसकी वजह से भाई सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चल रहा था कि किस साइड से बंदा मार रहा है। और इसके साथ टॉक्सिको का किल कंफर्म करते ही 18 किल गाइस, कैन यू इमेजिन 18 किल हो चुके हैं, 10 बंदे स्टिल अलाइव हैं अभी तक। तो इस साइड के ऊपर चलते हैं। अरे 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 ये बंदा पता नहीं कौन से सस्ते नशे में था, ओ कवर में चला गया, वरना भाई उसका मरना यहीं पे कंफर्म था। 9 बंदे अभी तक अलाए हुए, 9 में से 3 से 4 भी मारे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, 20+ हो जाने अपने किल। और रैंडम टीममेट्स एक दफ़ा फिर से मर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन लोगों ने इतनी दफ़ा मरा है, क्या ही बोले इस गेम के अंदर। तो 7 बंदे यहाँ पे रह गए हैं, यानी कि अपने स्क्वाड के अलावा 5 बंदे, एक स्क्वाड तो पूरा रहता होगा और एक उसके अलावा एक बंदा। तो कैसे अगर कमेंट्री की बात करें तो रैंडमली कर रहे होते हैं, तो थोड़ा इस वजह से सपोर्ट कर देना है, क्योंकि भाई कुछ लिखा हुआ नहीं होता, जो मुंह में आ रहा होता है दिमाग में आ रहा होता है वही बोल रहे होते हैं। अगर किसी को वो चीज़ें हर्ट करती हैं, बुरा लगता है, तो सॉरी भाई एडवांस में,
बाकी जिनको अच्छी लगती है भाई प्यार दिखाओ थोड़ा यूट्यूब के ऊपर भी, क्योंकि टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो लोग। ये दो बंदे हैं यहाँ पे इस साइड पे, एक तो नॉक है। ओहो क्या कर रहे हैं भाई ये बंदे, ब्लू होल डाल दिए ताकि भाई बैक साइड से जो गंदा वाला मार रहे हैं ना इसको तो धोएंगे भाई, जिस तरीके से इसने अपने को डैमेज दिया इस तरीके से ही इसको मारेंगे। आने दो इसको थोड़ा सा आगे की साइड। चलो क्या यहाँ पे अलोन नॉक है और अलोन का किल कंफर्म करते हैं गाइस, 20 किल यहाँ पे हो चुके हैं रैंडम। भाई बोल रहे थे बहुत अच्छा गेम खेले, गेम प्ले कर रहे हो, तो मैंने कहा चलो भाई देख ही लो फिर, अच्छा कर रहे हैं तो रिवाइव होने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो इस पे गाइस एक बैक साइड में बंदा आ गया था जोन में, 5 बंदे 7 हो चुके थे क्योंकि इसने रिवाइव कर दिया था 2 बंदे ग्रेनेड हुक करके, बगैर हुक करके भी फेंके, बट भाई बंदा पहले जोन में एलिमिनेट हो गया, ग्रेनेड अंदर की साइड गया ही नहीं। तो ऊपर की साइड चलते हैं और जो बंदे अभी के तरफ अभी उतरे हैं ना इनको मारते हैं भाई, ताकि 2-4 किल और मिल सके और रिकॉर्ड बने। अच्छा डैमेज यहाँ पे, स्किल्स की बात करें तो हम लोगों ने चेंज कर लिए भाई। अलोन यहाँ पे अगेन शॉट से नॉक है, M10 का एक पड़ा है, पहले स्कार का अच्छा बॉडी स्प्रे लगा था और एक और बंदा यहाँ पे। चलो इसके साथ ही गाइस इसका कंफर्म करते किल, टोटल एक बंदा बच गया है और उसको मारते तो अपना बुइया हो जाना है भाई, 22 किल तो ऑलरेडी डन है। अगर लास्ट, चलो लास्ट वाला एलिमिनेट हो गया। आज की गाइस वीडियो इतना ही, सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के पर कर लेना, 22 किल पे बुइया कराए आपके भाई ने, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।